नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव, मैं सीएनसी मशीन का ट्रेनर, यहाँ पे मैं सीएनसी मशीन की ट्रेनिंग देता हूँ और प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेटिंग सारा हम आपको सिखाते हैं। आज हम आपको सीएनसी मशीन में जॉब सेटिंग के बारे में बताएंगे, कैसे जॉब को लगाते हैं, खोलते हैं और हमारा जॉब कैसे सेंटर में मूव करेगा, इसके बारे में हम आज आपको ट्रेनिंग देंगे। तो आइए चलते हैं मशीन पे, मशीन देखते हैं कौन सी सीरीज की मशीन है। देखिए ये फानो कंट्रोल की मशीन है, फानो सीरीज OITF प्लस, ये लेटेस्ट वर्जन है हमारी जो मशीन है, लेटेस्ट वर्जन की मशीन है जिस पर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस भी मशीन पे आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कौन सा कंट्रोलर है और कौन सी जो है सीरीज चल रही है उस, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं पार्ट के बारे में, अगले पार्ट के बारे में आपको बताते हैं। आइए दोस्तों अब अगला पार्ट देखते हैं, मशीन के अंकन के फंक्शन को हम देखते हैं। ये हमारा चक है जो राउंड में राउंड आकार का होता है और ये स्पेंडल के ऊपर लगा होता है। स्पेंडल हमारी मूव करती है तो चक भी हमारा राउंड में मूव करता है। चक में ये देखिए जॉज लगे हुए हैं, इनको हम सॉफ्ट जॉज बोलते हैं और ये मास्टर जॉज। मास्टर जॉज के ऊपर ये सॉफ्ट जॉज को या हार्ड जॉज को क्लैंप करते हैं और इसके सेंटर में हम जॉज को पकड़ते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हम जॉज की सेटिंग करेंगे और हमारा जो जॉब है वो सेंटर में मूव करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए हमारा ये जॉज है, जॉज को हम ओपन करते हैं। जॉज हमारा यहाँ ये एलन बोल्ट से टाइट होता है, एलन बोल्ट की जो साइज होती है उसी साइज का हम एलन की लेंगे। तो अधिकतर जो है सीएनसी मशीनों में जो एलन बोल्ट होता है वो 10 mm का होता है। तो देखिए ये 10 mm की हमारी जो है एलन की है, यहाँ पे हम जॉज के जो है में जो हमारा बोल्ट लगा हुआ है एलन बोल्ट उसके हेड में लगाएंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे। तो हमारा ये देखिए जो हमारा बोल्ट खुल रहा है, ऐसे करके हम सारे बोल्ट को खोलेंगे और जॉज को ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है तो इसमें जॉज में भी थ्रेड बनी होती है, तो इसको थोड़ा सा पीछे खींचे खींच के हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर जो है इसको एक एक बोल्ट को हम निकाल लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे। और देखिए ये हमारा ये टी शॉर्ट नट है, ये नट जो है यहाँ पे लगता है और जिसके द्वारा हम बोल्ट इसको जॉज को क्लैंप करते हैं। तो ये बोल्ट भी हम निकाल लेंगे, बोल्ट को हम यहाँ पे रख देंगे, ऐसे कर करके हम जो है सारे जॉज को खोलेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे और ये बोल्ट को हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद हम जॉज को ऐसे खींचते हैं तो ये थ्रेड से हमारी जो हमारा जॉज जो है अलग हो जाता है। इसके बाद देखिए ये मास्टर जॉज पे थ्रेड कटी हुई है, ये इसकी पिच होती है 1.5 mm की पिच होती है, यानी एक थ्रेड से जब दूसरे थ्रेड पे जाएंगे तो 1.5 mm हमारा जॉज आगे के या पीछे खिसकता है। तो आगे अब इसको हम ये भी जॉज खोल लिए हैं, अब नेक्स्ट जॉज भी खोलेंगे। ये देखिए तीसरा जॉज है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये पहले से हल्का लूज है इसलिए आसानी से खुल जाता है, खुल जा रहा है, नहीं तो ये थोड़ा इसमें चोट मारनी पड़ती है तब ये खुलता है। अब देखिए ये जॉज जो मास्टर जॉज है इनके नंबर हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर जो है ये मास्टर जॉज का नंबर है। अगर हम जो इसमें सॉफ्ट जॉज लगाते हैं तो उस पर भी नंबरिंग जब हमारा सेट हो जाता है तो उस पर भी नंबरिंग कर देते हैं कि एक बार सेटिंग हो गई तो ये इसमें जो सॉफ्ट जॉज है उस पर एक पंच कर देंगे, जिससे कि जब भी हमें दोबारा लगाना होगा तो हमें पता रहेगा कि एक नंबर स्लॉट में हमारा एक नंबर वाला जॉज लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये दो नंबर है, दो नंबर वाले में हम उस पर भी दो जो सॉफ्ट जॉज है उस पर भी हम नंबर 2 पंच कर देते हैं पंच से। और ये देखिए नंबर 3 है, इसमें भी पंच कर देंगे सॉफ्ट जॉज में। फिर जब जॉज लगाएंगे तो 3 नंबर वाला 3 नंबर में, 1 नंबर वाला 1 नंबर में और 2 नंबर वाला 2 नंबर में हम जॉज को लगाएंगे। तो दोस्तों आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें जॉज को लगाएंगे और जॉब को सेंटर में सेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये सॉफ्ट जॉज है, इसमें हम क्या करते हैं, 10 mm का जो है हेड का इसका जो है इसमें 10 mm की एलंकी लगती है, उसकी साइज का ये बोल्ट है। इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे आपका जो है टी नट है और इस पर लगा के हम कम से कम 2-3 चूड़ी जो है साइड कर देंगे, पूरी नहीं करना है, 2 या 3 चूड़ी जो है इसको कर देना, टाइट कर देना कि थोड़ा यहाँ पे ऐसे गैप बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लिए इसको। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे गैप हो गया,
आप इस जॉर्ज को मास्टर जॉर्ज में लगाएंगे। तो देखो ऐसे करते हैं, ये तो हमारा गैप है, ये हमारा टी नट है, ये क्या करेगा, ये शॉर्ट में ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिपेयर के लिए कोई भी एक एरिया, मतलब दो थ्रेड बाहर करेंगे या एक थ्रेड अंदर करके या बराबर थ्रेड पर हम एक बार जॉर्ज को लगाते हैं। तो ऐसे करके मान लो हमने यहाँ पे इसको ऐसे हल्का हल्का टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, दिख रहा आप लोगों को। तो ऐसे टाइट कर लिया हल्का सा। अब दूसरा जॉर्ज लेंगे, दूसरा जॉर्ज भी हम लगाएंगे, दूसरा जॉर्ज, इसके भी हमारे ये नट बोल्ट हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये देखो रेडियस कटा हुआ है, तो ये रेडियस जो है हमारा जो ये जॉर्ज के इस साइड की तरफ होना चाहिए। कभी कभी बच्चे उल्टा लगा देते हैं, इसकी वजह से कि हमारा जॉर्ज सेंटर में नहीं आता है। तो आपको कैसे लगाना है, इस पॉइंट की तरफ, इसका भी पॉइंट इधर होना चाहिए और ये भी पॉइंट, जॉर्ज दोनों जिसका जिधर जॉर्ज का पॉइंट है उस साइड में लगाएंगे, ठीक है। इधर से बोल्ट लगाएंगे, यहाँ पे बोल्ट को तीन चार थ्रेड हम टाइट कर देंगे, ऐसे देखो टाइट कर दिया, इसमें थोड़ा गैप आ गया। इसको भी क्या करेंगे, बराबर थ्रेड पे लगा देंगे। तीसरा जॉर्ज लेंगे, तीसरे जॉर्ज को भी हम इसमें लगाएंगे, ये इसके नट बोल्ट है। देखो हमेशा ये जो हमारा रेडियस होगा ये इसके पॉइंट की तरफ होता है, तो सेटिंग में जॉब सेटिंग सबसे मेन होती है। जब हम जॉब को सेट करते हैं सेंटर में तो हमारा जॉब ही सेंटर में मूव करता है, और जब तक जॉब हमारा सेंटर में मूव नहीं करेगा तब तक मुझे आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते, ना ऑफसेट ले सकते हैं ना फिर उसमें कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, ये भी बराबर थ्रेड पे हम यहाँ पे कर देंगे, साइड कर देंगे इसको। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इमरजेंसी लिखा हुआ ब्लिंकिंग कर रहा है, सो यानी इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी को ऐसे घुमाना होता है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इमरजेंसी बटन को, ये रिलीज हो जाती है, यानी इमरजेंसी हट गई। लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मशीन रीसेट बटन को हम प्रेस करेंगे, खट की आवाज़ के साथ मशीन जो है काम करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। अभी देखो ये चक हमारा डी क्लैंप है, अब हम क्या करेंगे, जॉब को इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा देखो जॉब है, जॉब को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने जॉब सेट किया क्या, जॉब जॉब के साइज से छोटा है, जॉब जो हमने लगाया उसमें जगह ही नहीं कि हमारा जॉब जो है अंदर जा सके। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जॉब को खोल के दो दो थ्रेड या एक एक थ्रेड पीछे करेंगे, पीछे करके देखते हैं कि हमारा जॉब जो हमारे जॉब में हमारा जॉब सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए फिर से इसको हम लोग लूज करेंगे और एक एक थ्रेड इसको जॉर्ज को पीछे, यहाँ से जॉर्ज को क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लगा देंगे। तो जितना यहाँ पे जितने यहाँ पे देखो थ्रेड को गिनेंगे कि इस थ्रेड कितनी थ्रेड बाहर हो गई, तो एक जॉर्ज की जितना थ्रेड आप बाहर करेंगे उतने ही थ्रेड सारे जॉर्ज को बाहर कर देंगे, जिससे कि बराबर बराबर हमारा जॉर्ज पीछे की तरफ आ जाएगा। हल्का हल्का टाइट कर देंगे, हल्का टाइट इसलिए करते हैं कि अभी हमारा जॉब सेंटर में सेट नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या करते हैं हल्का टाइट करते हैं। दूसरा जॉर्ज खोलेंगे, दूसरा जॉर्ज खोलकर इसको भी हम तीन थ्रेड जो है पीछे कर देंगे। तो दोस्त को हमने तीन थ्रेड पीछे किया था, तो इसको भी तीन थ्रेड यहाँ से पीछे कर देंगे, पीछे करके इसको भी हम टाइट कर देंगे। ये तीसरा जॉर्ज है, इसको भी हम पीछे करेंगे, फ्रेंड अपने ये टाइट कर दिया इसको, और इसको अब जॉब आप देखो हमारा जॉब आसानी से इसके अंदर चला जा रहा है। तो पहला काम हो गया, अब इसको हम यहाँ से क्लैंप करेंगे, पैडल से किया, हमारा पैडल है, तो ये फुट पैडल इसको बोलते हैं, जो कि पैर से हम इसको प्रेस करते हैं। तो जब हम पैर से इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जॉर्ज क्लैंप होगा, या और फिर दोबारा अगर प्रेस कर दोगे तो टी क्लैंप होगा, यानी पीछे की तरफ आएगा, ओपन क्लोज होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्लैंप कर दिया तो ये हमारा देखो जॉब इसमें क्लैंप हो गया, जॉब तो हमारा क्लैंप हो गया। लेकिन अभी हमारा जॉब हमारे इस चक के सेंटर में आया कि नहीं आया, इस चीज़ को हम यहाँ पे चेक करेंगे।
बिल्कुल। तो एक बार ऐसे घुमा के देखेंगे तो देखो हमारा जॉब जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम रहा है, यानी सेंटर में नहीं मूव कर रहा, रन आउट जिसको बोलते हैं रन आउट, ये हमारा जॉब है रन आउट हो रहा है। इसको हम चाहे तो आपको हल्का सा चला के भी कम स्पीड पे चला के भी दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि अभी हमारा जॉब पूरी तरीके से टाइट नहीं। देखो दोस्तों ये बोर्ड सेलेक्टर बटन है, मोड सेलेक्टर, कहीं कहीं मोड सेलेक्शन लिखा होता है, तो आपको 7 ऑपरेटिंग मोड आपको बताया गया है। तो यहाँ पे 7 ऑपरेटिंग मोड होते हैं, एडिट, SVK, ऑटो, MDI, MPG, जॉग और ZRM। तो अभी हमें क्या करना है कि स्पेंडर को मूव कराना है, तो इसको हम MDI के मूव करा सकते हैं। तो MDI हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, देखो ये सेलेक्ट हो गया। फिर प्रोग्राम बटन, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके की जो स्क्रीन खुल के आएगी। तो यहाँ पे स्पेंडर घुमाने के लिए हमने आपको बताया कि M03 कोड का प्रयोग करते हैं अगर क्लॉक वाइज हमें घुमाना है, अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है तो M04 कोड का करते हैं, ये तो आपको पहले जानकारी है। तो यहाँ पे लिखेंगे M03। अब कितनी स्पीड पे हमें घुमाना है, तो हमें नॉर्मल बहुत ज़्यादा तेज नहीं घुमाना है, तो स्पीड के लिए हम यह लेटर का प्रयोग करते हैं। एड्रेस को हमने यहाँ पे 700 लिख दिया, तो M03F700 करके ये UV बटा इनको हम दबा देंगे क्योंकि अभी हमें इसमें और कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे UV आपका देखिए ये लग गया इंटर क्लॉक का, यहाँ पे निशान आ गया। अब यहाँ पे आप इनपुट या इंसर्ट दबा सकते हैं, तो हम इंसर्ट बटन हमने दबा दिया, तो देखिए ये यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक, इसके बाद साइकिल स्टार्ट बटन है, ये यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है, ये ग्रीन कलर की इसमें लाइट जलती है, तो इसको आप ऐसे प्रेस कर, मूव कर रहा है लेकिन ये हमारा सेंटर में मूव नहीं कर रहा है, रन आउट हो रहा है, रन आउट। तो जब तक हमारा जॉब सेंटर में मूव नहीं करेगा तब तक हम जो है इसको मशीन पे ऑफसेट वगैरह नहीं ले सकते, चला नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो टूल होगा कहीं ज़्यादा मटेरियल में आ जाएगा, कहीं कम, और एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट सकता है। तो अब इसका कारण क्या है, रन आउट होने का कारण क्या है कि हमारा कोई जॉज जो है अंदर की तरफ है और कोई जॉज बाहर की तरफ पीछे है, यानी जॉब को सेंटर में नहीं पकड़ रहा है, जो अंदर की तरफ है उसको अंदर दबा दे रहा है और जो बाहर की तरफ है वो पीछे खिसका दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जॉब सेंटर में मूव नहीं कर रहा है, तो हम रीसेट बटन दबा देंगे, रीसेट कर दिया, मशीन घूम गई। अब ये जॉब को हम यहाँ से डीक्लैंप कर देंगे, देखो यहाँ पे इसको पैडल को दबाएंगे और जॉब को पकड़े रहेंगे, पैडल को दबाएंगे जॉब को पकड़े रहेंगे, पैडल दबाया हमारा जॉब खुल गया और ये देखिए हाथ में आ गया हमारा, ठीक है जॉब। अब इसको क्या करेंगे, आप रख लेंगे इसको पकड़े रहेंगे, और मैं क्या करूँगा इस जॉज को देखता हूँ कि कौन सा जॉज ज़्यादा अंदर है कौन सा बाहर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो स्टूडेंट अब ये हम देखेंगे हमारा जो है कौन सा जॉज अंदर की तरफ है और कौन सा जॉज बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे हमने जॉब के डायर पे एक टूल का जो पॉइंट लगा दिया है, जॉब के डायर में टूल का पॉइंट लगा दिया है, स्टूडेंट अब यहाँ पे ये जॉब हमारा जॉब जो है टच कर रहा है, यानी ये जॉज हमारा बाहर की तरफ है और यहाँ पर गैप आ रहा है, ये जॉज हमारे अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गैप है इस वाले पे और सेम गैप यहाँ पे भी है, तो यानी दोनों जॉज हमारे बराबर लगे हुए हैं, तीन को हम नहीं छेड़ेंगे। ये हमारा जॉज है, यहाँ पे जॉब हमारा टच हो रहा है, यानी ये हमारा जॉब बाहर की तरफ है। इसको एक थ्रेड हम अंदर करके देखते हैं कि हमारा जॉब सेंटर में आता है कि नहीं, अभी हमारा आउट घूम रहा है, इसको हम सेंटर में करेंगे। देखो स्टूडेंट हमने इसको अब सेंटर में कर दिया है, तीनों जॉज हमारे सेंटर में है और जॉब हमारा सेंटर में है, तो इसको मूव करा के देखेंगे कि हमारे टूल के पॉइंट से अगर इसके जो इसकी परिधि जो डाया है वो समान दूरी पर होती है, तो इसका मतलब हमारा जॉज और जॉब दोनों सेंटर में मूव कर रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पे बराबर है, सेम है, इसलिए हमारा जो है जॉज भी सेंटर में आ गया और हमारा जॉब भी सेंटर में आ गया। तो इसी तरीके से हमें जॉज को लगाना होता है और जॉब को सेंटर में करना होता है। तो आप लोगों को समझ में आया, देखा आप लोगों ने, कर लोगे आप लोग। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग जॉब को पकड़ने के लिए अलग अलग जो है जॉज लगाते हैं उनको सेंटर में। स्टूडेंट अब आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया, आपको ये बातें जो हमने बताई है जॉब को सेंटर में लाना, जॉब को सेंटर में करना, ये समझ में आया है ना आपको, हमने करके दिखाया है जॉब को सेट करना, तो आपको समझ में आया? जी सर।
तो कैसे जॉर्ज को हम सेट करते हैं? सबसे पहले जॉर्ज को खोलेंगे, उसके बाद पहले जॉर्ज को लगा के देखेंगे कि जॉर्ज सेंटर में मिलाने के लिए पहले बराबर लगाएंगे तीनों जॉर्ज को, उसके बाद जॉर्ज को लगा के देखेंगे लहराता है कि क्या देखो लहराता है कौन सा जो किधर भाग रहा है उसको रन आउट रन आउट हो रहा है किधर। अगर रन आउट है तो फिर से उसको जॉर्ज को सेट करें सेट करेंगे फिर मिलाएंगे जब सेंटर मिल जाएगा उसके बाद कटिंग या जो फेसिंग करना है उसका करना है। गुड, आपको कैसा लगा? सही है, समझ में आ गया। जॉब को सेंटर में लगाना, यानी जॉब हमारा सेंटर में मूव करेगा। जी सर। किसके सेंटर में? उसके में जॉब के में सर। जी, स्पेंडर के या जॉर्ज के सेंटर में, तो जॉर्ज हमारा सेंटर में होता है तो जॉब सेंटर में होता है। जी सर। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। आगे? जी सर। थैंक यू। अब आपको हमने आज प्रैक्टिकली सिखाया है कि कैसे हम जॉर्ज को सेंटर में करते हैं, जॉब को सेंटर में कैसे करते हैं, जॉर्ज को खोलना, जॉर्ज को फिर टाइट करना और उसको सेंटर में मूव कराना। जी सर। तो सेंटर में कैसे मूव करेगा? जब हमारा जॉब सेंटर मूव करता है तभी हमारा जॉब भी सेंटर में मूव करता है, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये आज हमने आप लोगों को सिखाया, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। यस सर। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा सर। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।